इस तरह से दोनों ही टीम मैदान पर प्रवेश कर चुके हैं और अभी हमारी पिच जो अतिथि का आयोग है जो अधिकारी बड़े थे प्रोफेसर नजरुल इस्लाम जी ठीक है। ये मुस्तफा अगला संचालन करने के लिए हम लोग करते हैं फाइनल मैच उद्घाटन प्रक्रिया नेवता उद्घाटन बना टीम हरा जैसे एस टी साहेब ससांग जैसे हाई स्कूल तला तो इस तरह से परिचय प्राप्त करते हुए हमारे अतिथि जो सबसे आगे हैं वो हमारे प्रशासन के अंचलाधिकारी सोनाराम हेमरम जी, साथ ही साथ प्रोफेसर नजरुल इस्लाम जी, साथ ही साथ हमारे प्रखंड संचालक समिति के अध्यक्ष महोदय सुनीराम हासदा जी, साथ ही साथ मामा जाली जी, हमारे जामिया के सेक्रेटरी महोदय प्रोफेसर हासिम अख्तर जी और हमारे कमेटी के मेंबर्स का तो मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा दो सब के लिए प्रोफेसर नजरुल इस्लाम जी को। आज 78वीं गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मना रहा है। कहते हैं कि शहीदों के मजार पर लगेंगे हर वक्त मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही हिसाब होगा। यकीनन आज जो आप लोगों की भीड़ है ये भीड़ साबित कर रही है कि हम लोग 15 अगस्त के लिए कितना तैयार रहते हैं, चाहे इस दिन को मनाने के लिए देश के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम दिखाने के लिए या फिर इस अवसर पर खेल देखने के लिए। निश्चित तौर पर 15 अगस्त का हम लोग को इंतजार रहता है। मैं इसी क्रम में अपने सभी खिलाड़ियों को जिसने इतने सारे दर्शकों को मन मोहा है और फाइनल में लोग खड़े हैं साहेबगंज की टीम और हाईस्कूल बरहेट की टीम, मैं आप दोनों को धन्यवाद दूंगा, आपके कैप्टन को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग शानदार खेल खेलिए और लोगों का दिल जीतिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोफेसर नजरुल इस्लाम जी को। अब आमंत्रित करेंगे हमारे इसके बाद हमारे मौजूद रहमान जी को जावेद कोषाध्यक्ष, समाज सेवी मोहम्मद अली जी को अफसर, मोहम्मद हासिम अख्तर जी को सलाम सलाम जी, आप सामने और मोहम्मद जाकिर जी को जावेद जी और हमारे पंचायत सदस्य जी के लिए आरिफ और मोहम्मद जाकिर जी के लिए जावेद जी, जावेद जी के बाद हमारे मुस्ताक जी के लिए मोहम्मद शेर जहां के लिए साबिर साबिर जी, इसके बाद
टीम मोहम्मद जी के लिए सैफुद्दीन एक पानी निकले यार, देखने दादा सिरा के लाए।